छटपटा रही है, जिसे अरिष्ट नेमी ने चर्च में रख दिया है। हे प्रभु राक्षस, मुझे वो अलौकिक शक्तियां दो ताकि मैं उस धूर्त अरिष्ट नेमी का संहार कर सकूं। हजार वर्षों से मैं इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही हूं ताकि सत्या और सावित्री के मिलन से मैं अपने भाई को जीवित कर सकूं। इसीलिए पवित्र शक्तियों के लाख कोशिशों के बाद भी मैंने सावित्री और सत्या को मिलवाया है। उन दोनों को इस सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो धूर्त अरिष्ट नेमी उन दोनों के बीच वो मायावी किताब लेकर आ गया है। वो किताब सावित्री को उसके अतीत में ले जाएगी। उसे उसकी शक्ति, उसके जीवन का उद्देश्य सब याद दिला देगी। अगर वो किताब सावित्री को मिल गई तो उस किताब के माध्यम से वो पवित्र शक्तियां सावित्री के हाथों मेरे भाई राहुकाल का दहन करवा देगी। हे ब्रह्म राक्षस, मुझे मेरे भाई को फिर से जीवित करना है, इसलिए मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं उस धूर्त बाबा का संहार करके उससे वो किताब हासिल कर सकूं। गोलिका, जो शक्ति तुम्हें चाहिए हम तुम्हें देंगे, लेकिन याद रहे, ये शक्ति और ये अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए इस बार तुम्हें उस अरिष्ट नेमी को पराजित करना ही होगा। जिस काम के लिए गई थी एकदम अच्छे से करके आई। गुड। सत्या घर पर नहीं है क्या? उसे ना अपना होश है ना रहने का ठिकाना। तुम्हारा बेटा दीवाना हो गया लीना, दीवाना। की? है गो दीवाना हो गया? मतलब अरे माई, अरे काहे हमार नाम तूने बिरजू रख दिया? हा? अरे ससुरी दुनिया वाले हमका हमार खिल्ली उड़ाते हैं, अब हमको यहाँ नहीं रहना, हम चाहते हैं। What do you think? I'm an idiot? क्या चल रही है सब? What's happening सत्या? हाँ? सत्या भैया, मेरी माँ ने आपके लिए नई चटाई लाई है। अच्छा जमीन पे नहीं, उस पे ही सोना, समझ में आया? हाँ? अरे बंधु जाओ, मामला बहुत गर्म है, बाद में बात करेंगे, बाद में। जाओ 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 जाओ। खुशी मामा, You are just impossible. और तुम्हारे डैड भी। तुम दोनों को क्या लग रहा था? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अब नीचे क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। Look at me! क्यों जी रहे हो ये सन्यास के जैसे? हाँ, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं सन्यासी की तरह रहूंगा। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं चिंता। खुद को सलमान खान समझते हो? कब से चल रही है सब? हाँ, ये कुछ 5-6 दिन से। 5-6 दिन से? तुमने तो हद कर दी सत्या। माँ, प्यार की कोई हद नहीं होती। चरम! मेरे सामने ऐसी बातें करते हो? चरम नहीं आती तुम्हें?
कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है वो? उसका नाम सावित्री। वो वहाँ उस चर्च के ऑर्फनेज में रहती है। माँ, माँ रुकना, माँ, माँ। अरे क्या हुआ? माँ ऐसे गई है जैसे जंग पर जा रही है। मुझे तो लगता है कि मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अमलीना रॉय चौधरी, मैं सत्य की मां हूं। वही सत्य जो तुम्हारी वजह से सब कुछ छोड़कर दीवानों जैसा फिर रहा है। जी देखिए, मैं जानती हूं इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो, एजुकेशन क्या है तुम्हारी? मैं किया है। कुछ काम करती हो? फिलहाल मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ चर्च में। मेरे बेटे को कब से जानती हो? जी देखिए, फॉरगेट इट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम उसे कब से जानती हो, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम उसे पसंद करती हो या नहीं। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो ये बात उसे जाकर फौरन बता दो। सत्य एक बहुत ही समझदार और मशहूर लड़का है। पहली बार उसने ऐसी कोई हरकत की है, और अगर तुम उसे पसंद करती हो और ये सोचकर इनकार कर रही हो कि उसकी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं, एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंक, तुम्हारा ये डर बिल्कुल गलत है। हमें अपने बेटे की पसंद पर पूरा भरोसा है। उसकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं। तुम्हारे मन में जो भी है प्लीज उसे जाकर बता दो। He needs to know. तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे माई, पता नहीं मां सावित्री को क्या बोलेगी, उस बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं है। ला 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 ला। सावित्री, जब से तुझसे लगन लगी है तू सांसों में महके, हर पल मेरी आंखों में तेरा चेहरा झलके, हर पल मेरी आंखों में तेरा चेहरा झलके। ओ मुझे इश्क बुलाए हाय रब्बा, मुझे नींद न आए हाय रब्बा, सारी रहन जगाए हाय रब्बा, तेरी याद सताए हाय रब्बा, शब्दों में जिसे बांध न पाऊं ये ऐसा एहसास रे। क्यों कर रहे हो ये सब? मुझे अकेले
अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों? पता नहीं कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करने लगा हूं। न जाने तुम में ऐसा क्या है, तुम्हारे सिवाय कुछ और नजर नहीं आता मुझे। पर एक बात जरूर पता है कि हम जब भी मिलते हैं ऐसा लगता है कि हम पहले भी कभी मिले हैं, और कभी कभी डर भी लगा रहता है कि मैं तुम्हें खो ना दूं। पता है सावित्री, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारा जन्मों का रिश्ता है और ये हमारा आखिरी जन्म है। अगर हम इस बार नहीं मिले और कभी नहीं मिल पाएंगे, क्या तुम्हें भी ये सब महसूस होता है? कहो ना सावित्री, कहो ना, क्या तुम्हें भी ये सब महसूस होता है? कुछ नहीं महसूस होता मुझे, कुछ नहीं महसूस होता मुझे। सुना तुमने, प्लीज सत्या मेरा पीछा छोड़ दो। हमारे बीच में कोई फीलिंग्स, कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता नहीं है, ना कभी हो सकता है। ये सब सुनना तुम्हारे लिए काफी है? क्या मैं कुछ और कहूं? नहीं, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब तो कह दिया ना तुमने। ये तो मेरे दिमाग का कुछ फितूर था जो मुझे लगा कि तुम भी, कि नहीं, मैं ही पागल था जो समझ बैठा कि तुम्हें भी मेरे लिए फीलिंग्स है। लेकिन मैं गलत था। आई एम सॉरी, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा, तुम्हारे सामने तक नहीं आऊंगा। तुम बस खुश रहना। तुझ में अपना गवा कर मैंने सब कुछ पाया, तुझ में अपना गवा कर मैंने सब कुछ पाया। पास पास रह के भी दूर है क्यों मेरा हमसाया, मन तड़पत है पिया मिलन को, मन तड़पत है पिया मिलन को, बढ़ती जाए प्यास रे मोहे पिया मिलन की आस, मोहे पिया क्या सच में डायन होती है? रोले रोले रोले, जी भर कर रोले, बह जाने दे इन आंसुओं को, जो दिल में है उसे समझ। तूने यीशु की सेवा की है, अब यीशु खुद तुझे रास्ता दिखा रहे हैं, जिससे भाग रही है भाग कर उसके पास जाएगी। तेरे बिना बोले सब जानता हूं, प्यार तो करती है तू भी। सावित्री बहुत अच्छी है, प्यार हो गया है तुमसे, सच्चा वाला। शादी करोगी? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पापा, आप कैसे जानते हैं? तेरा बाबा सब जानता है, बस उसके इशारे समझ। पापा आप जानते हो मैं साधारण लड़कियों जैसी नहीं हूं। जब से मैं उसे मिली हूं, मेरी बेचैनी, मेरा डर,
और बढ़ गया। डर मत, एहसास दिल में है तो उसका प्यार तुझे अपनी ओर खींच ही लेगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे किस्मत हमें बार बार एक दूसरे से मिलाने की कोशिश कर रही है। याद रख, प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता सावित्री। भाग कर मना ले उसे। हाँ, वक्त कभी रुकता नहीं है, कहीं कुछ अधूरा रह न जाए। हाँ, वक्त कभी रुकता नहीं है, कहीं नसीब रूठ न जाए। जा, भाग कर मना ले उसे। कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खाइयो, मास दो क्या सच में डायन होती है? आई देखिए मेरे साथ एक थी नायिका, कल रात 11 बजे सिर्फ लाइफ ओके पर। मुझे ढूंढ रही हो? चाय पियोगी? कुछ कहने तो जरूर आई हो, पर ये नहीं जानती क्या? आप गवा कर मैंने सब कुछ पाया, पास पास रह के। चलो, मैं तुम्हारी ये मुश्किल दूर किए देता हूँ। मन तड़पत है पिया मिलन को, तुम्हें सिर्फ एक इशारा करना हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपनी एक उंगली उठाना, और अगर नहीं मोहे पिया मिलन की आस, मोहे पिया मिलन की आस। Thank you.
बस इन आंसुओं पर तुम्हारा हक नहीं है, इन पर मेरा हक है, इसलिए इन्हें बहाने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी। म्यूजिक शिवरात्रि।